क्योंकि कोरोना कोरोना इतना चल रहा है कि पेपर में न्यूज आई तो मैंने पत्नी से कहा कि सुनो कोरोना का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि अब तो सरकार जानवरों को भी वैक्सीन लगा रही है। तो पत्नी बोली तो अब तो लगा लो। कोरोना में जितने लोग बचे उनको नया जीवन मुबारक हो। लेकिन कुछ ऐसे बड़ा बुरा हाल था, मतलब किसी को बर्थडे में विश कर रहे हो फेसबुक पे तो सामने वाला सीधा बिना जाने पहचाने रिप लिख देता था। समझ में नहीं आता कि बर्थडे विश कर रहे हैं अपनी विश कर रहे बिना जाने। अगर रिप नहीं अभी है और गलती से कोई ऐसा बंदा जिसको कोविड नहीं हुआ कोरोना नहीं हुआ वो गुजर गया तो उसके रिश्तेदार बाकायदा कार्ड में लिखते थे कि मेरे पापा गुजर गए और इन ब्रैकेट लिखते थे नॉट फ्रॉम कोविड, क्योंकि इतना स्टाइल चल रहा था वो कोविड से। लेकिन मालिक ने हम सब की दुआओं से कोरोना ने सुना और थोड़ा सा हम लोग अभी फ्लेक्सिबल हो गए हैं, बसल घूमने फिरने लगे हैं। उसके आगे ये भी होता था कि अगर कोई गुजर गया और कोविड से नहीं गुजरा और आपने बता दिया अपने दोस्तों की कि नहीं भाई वो कोविड से नहीं गुजरा, अच्छा अच्छा मतलब उनको लगता था रिप गलत लिख दिया कोविड से नहीं गुजरा। ये क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा भी हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या। तो सुरेश वाड़कर जी का एक फैन है, वो कोरोना के सारे गाने तैयार कर लिए उसे राइट फ्रॉम कोरोना जब से चाइना से आया। तो उसने कहा कि चाइना जब इंडिया में आया तो क्या गाया होगा उसने, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। मैंने कहा कोरोना होने के जो लक्षण वो क्या होते हैं, आँखों में तू खांसी सर्दी भी कोरोना की पहचान। मैंने कहा फिर अगर किसी को हो जाए तो वो क्या करेगा, वो पागल इतना गाना गाएगा। बोले कौन सा, अरे कुछ नहीं है भाता जब रोगी लग जाए, मैं हूँ कोरोना रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, कोई वैक्सीन दिला दो। तो बोले वो क्या फील क्या करता है, मतलब उसको कैसे समझ में आता कि कुछ समझा कुछ समझ ना पाया, सारे रोग का यही है हाल भाया, जो तन लागे सो तन जागे, ऐसी है कोरोना की माया, मुझे इस हालत से बाहर निकालो, जाओ जाओ जाओ। अगर इनके किसी को हो भी गया, अगर उसको ऑक्सीजन की कमी हो तो वो भी लेटर दिखाओ सका ना जाएगा है जिंदगी हमने भी तेरे हर एक गम को से और गुजर जाए तो उसके सामने आएंगे, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने फिर जल पड़ी है। तो ट्रेजेडी से भी कॉमेडी निकल आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको करना चाहिए। साउथ में मैं जब जाता हूँ शो करने के लिए प्रोग्राम करने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग मुझे दिल से अपनाते हैं, उन्हें उनको मैं अपना ही लगता हूँ, उनकी तरह ही लगता हूँ, दिल से अपनाते हैं, अच्छे से प्यार में। जब साउथ में मैं साउथ इंडियन देखते हैं हाँ इनको भी चैन नहीं, इनको भी बीच में घुसने की जरूरत चैन नहीं। तो एक बार में क्या हुआ था कि मैं बंगाल गया शो करने के लिए, ठीक है, तो मैंने कहा मेरा सरनेम पाल है तो मैं बंगाली हूँ, तो ममता दीदी की तरह कोई चीज भी आ गई, कुड़ी बाबा
कीड़े 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 तू किधर से बंगाली लगता है, किधर से लगता है बंगाली साबित कर, नहीं तो देगा ये बहन गाली, किधर से लगता है बंगाली तो चुप करो बोका हिंदुस्तान में कहीं दिल से तो साउथ में गया तो मैं मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आ गई वाले हमारे जो आयोजक थे मोहब्बत हो गया है दिल से मेरा जान मेरा दिल भर मेरा इतवार कर जितना बेकरार ए में खुद को बेकरार कर मेरा तड़कन रुक सब जो ना कहीं मिला मैं मुनु अब शो का समय हो गया, शाम के शो के समय में अब जैसे आयोजक में एक और आयोजक आ गया वो शायद बलवारी था तो बलवारी ने बोला जो भी बोला क्योंकि आप मेरे तरफ से कोई बात नहीं ये तो आप मुझे फंसा देंगे कि इसने बोला था मल्लू करे मल्लू और फंसे मल्लू पकड़ लू तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो मलवाई शुरू में एक बड़ा एंगल आएगा प्रोग्राम में बड़ा एंगल आएगा मैंने ऐसा किया कि किस का एंगल आ जाएगा एंकर अच्छा एंकर डर गया था एंकर था भयंकर था अब वो जो एंकर था वो आ गया स्टेज के ऊपर वो भी साथ में ऐसा मुझे बुला रहा लेडीज एंड जेंटलमैन ये कॉमेडी बिल्ला बिल्ला मैं क्या बोल रहा हूँ कॉमेडी करना है भोकने में और क्या करना है हमारे इधर बच्चे को बिल्ला बोल रहे हैं तुमको प्यार से बिल्ला बोल रहे हैं नॉन डिसिप्लिन ओ कॉमेडी बिल्ला और स्टेज पे आएगा तो आपको 80 आएगा और 90 आ गया तू क्या गया तू अच्छा ना तू उसे ले यार भाई वो नल्ला बोल रहे हमारा साउथ में नल्ला बोल तो अच्छा रहे नल्ला बोलता अच्छा ओके ये नल्ला आर्टिस्ट है कॉमेडी की दुनिया में इसके बारे में क्या बोलने का इज अस्ति
अभी तो जिंदा रखा था अस्थि अस्थि रे सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी अच्छा अस्थि यहाँ तो डर गया था मैं एवरी टाइम ये कवर में रहते हैं खबर में न्यूज में रहे न्यूज में खबर में रहता है छोटा मोटा कॉमेडियन इसको पता नहीं कहिए कि गॉडस मिस्टर है इसका रोज आरती होता है आरती 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 तो इसको बोलने से पहले मैं एक शेर बोल के बोलेगा कौन सी भाषा में आप कौन सी भाषा में हिंदी तो सुन ली मैंने आपकी आप कौन सी भाषा उद्रू शेर के बुलाए बिना ही बोले उद्रू भाषा अरे तमिल का उर्दू से क्या लेना भाई बड़ा बड़ा भाषा क्या बोलता था हमारा हुकुम का तमिल करो हमारा हुकुम का तमिल करो बहुत अच्छा ना और इस टाइप क्या बात है ये तुमने सोचा नहीं था ना तो सुनाई अब उन्होंने शेर सुनाया मेहंदी रंग लाल था एक थूकने के बाद थूकने के बाद और आदमी सुधरता है ठुकर खाने के बाद स्वाइन फ्लू साउथ को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वहाँ पर रजनीकांत लिटरली भगवान माना जाता है आपको इतनी पक्का खबर आएगी कि भगवान रजनीकांत को प्यारे हो गए क्योंकि वो जैसे इंडियन आइडल यहाँ पे चल रहा है लेकिन उन्होंने सपने में सोचा कि साउथ इंडियन आइडल अगर बनेगा साउथ इंडियन आइडल और हमारे दिलीप शुक्ला जी को यहाँ से बुला लिया जज करने के लिए थोड़ा हिंदी का भी अच्छी और वहाँ के कोई साउथ इंडियन बहुत बड़े गुरु गुरु मंदिर दिलीप गारू गुरु और गारू दोनों बैठे अब शुरू हुआ देवरी पांडे से सिंह अनाउंसर ने कहा फर्स्ट कंटेस्टेंट श्रीकांत फ्रॉम केरला What is the reaction? South fella, the judge. Very different voice. I got very different voice. Hindi garu, Shukla ji. Next movie dekhte hain. P. Subhash from Chennai. ஒட்டிதரே கண்ணு நாடு விட்டபேக்கு ஒட்டிதரே கண்ணு நாடு விட்டம் அதுக்கு கிருசிக்கா வந்தி அது விதியோ ரசிக்கா வந்தி சௌதரு டிஃப்ரெண்ட் வாய்ஸ் Till now I don't heard this kind of voice, different voice. And you should be Indian, South Indian idol. In my point of view, yes. Hindi garu, Gopal Dasan from Hyderabad. Niruvidave, Krishna Raga, Shirupati Raga, Vanga Popo. Stop breathing around.
Madhuri garu, reaction? Very different voice. Total different voice. Hindi garu Shukla? यार इनको छोड़ो, दस साल मुझे पहले खुद बताओ, मेरे को पेमेंट बताओ, मेरे को इज्जत बताओ, खाली इतना बताओ इन तीनों में डिफरेंट क्या था।